जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़खड़ाते ज़रूर है, मियाँ बीवी में किन बातों पर लड़ाई होती है? मियाँ बीवी में उन तमाम बातों में लड़ाई होती है जिसमें वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और ये बड़ा नेचुरल है। अगर समझ आ जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं तो आपने कहीं ना कहीं डिसर की अग्री करना होता है। आपकी अहलिया अच्छी बीवी हैं या अच्छी अदाकारा? क्योंकि अदाकारी तो दोनों में करनी पड़ती है। मेरा ख्याल है इन्होंने अदाकारी में ज़्यादा काम किया है। बीवी वाले सीन में ज़रा देखा, मैंने कहा था इनसे ही पूछे। तो क्या आप अपने शौहर पर ध्यान नहीं देती? मैं पे कोई ध्यान नहीं देती, उसका नतीजा देख लें कि मैं कहीं जाने लगती हूँ तो ही कहते हैं मेरा दिल बंद होने लगा। आपकी सिर्फ दो बेटियां हैं, हमारे माशरे में तो हर कोई बेटे की ख्वाहिश करता है, आपका रवैया क्यों मुख्तलिफ रहा? बड़ा कैटेगोरिकली मैंने इनके साथ ये तय किया था कि देखिए बच्चे दो होंगे, और इसमें अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो ये तय हुआ था कि दो बच्चे होने चाहिए, और ये अल्लाह ताला से लड़ाई कोई नहीं करनी, ये तय है कि बस जो हो गया ठीक है बस जी। आई थिंक वन शुड डिसाइड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दो बेटे भी हो जाते तो ठीक था, और ये कि अब अगर आप यूँ जिद करने लगे तो पाँच छः बेटियों के बाद एक दो बेटे भी आ ही जाते हैं, लेकिन फिर अब वो भी ख्याल रखना है कि फैमिली इतनी हो जो आप कंफर्टेबली पाल सकें, जिसको आप तवज्जो दे सकें। फिर ये कि एक बेटा तो मिला मुझे नरीमान की शादी के साथ, उम्र मिल गई। किन बातों पर आपका इख्तलाफ है? वो तमाम बातें जिस जो मेरी केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, जो इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है मेरी केमिस्ट्री। इख्तलाफ का इजहार कैसे होता है? शोर मचा के। ये शोर मचाते हैं लोग, समझते हैं बड़े क्वाइट हैं, उनको जो बुरा लगता है ये जोर से बताते हैं, मतलब ये नहीं कि बर्तन तोड़ते हैं, मगर ये बकायदा बताते हैं कि ये यूँ है, ये यूँ है, गलत है।